हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रक्त, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम ब्लड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ब्लड के इंट्रोडक्शन और कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के संगठन, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और ब्लड सेल्स के प्रकार तथा ब्लड सेल्स के कार्य तथा ब्लड के मुख्य कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ब्लड के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। रक्त की मात्रा हमारे शरीर में शरीर के वजन की 7% होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ब्लड हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, जो हृदय के संकुचन से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, जिसके कारण यह हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट पार्ट टू, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आगे हम रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखते हैं। रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, जो 55% प्लाज्मा तथा 45% ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में 90% तक पानी की मात्रा पाई जाती है। प्लाज्मा में प्रोटीन के रूप में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनिजोन पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा का 7% भाग बनाते हैं। प्लाज्मा में इन तत्वों के अलावा कई और तत्व पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, कोलेस्ट्रॉल, आयरन, यूरिक एसिड। आगे है रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स। नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। नंबर 3 बिंबार या प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त कोशिकाओं का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। इन कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को हेमोपोइसिस कहते हैं। ये रक्त कोशिकाएं रक्त का लगभग 45% भाग बनाती हैं। मानव जीवन काल में जन्म के समय से 5 वर्ष की आयु तक
शरीर की सभी अस्थियां रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती हैं तथा 5 वर्ष की आयु से 20 वर्ष की आयु तक लंबी अस्थियों में रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है एवं 20 वर्ष की आयु के पश्चात रक्त कोशिकाओं का निर्माण स्टर्नम, रिब्स तथा वर्टिब्रल तथा वर्टिब्री के बोन मैरो में होता है। आगे हम रेड ब्लड सेल्स देखते हैं। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इन कोशिकाओं को हम परिपक्व कोशिकाओं भी कहते हैं, जबकि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं का व्यास लगभग 7 से 8 माइक्रोन होता है। यह किनारे पर 2.2 माइक्रोन मोटी तथा बीच में 1 माइक्रोन मोटी होती है। इन कोशिकाओं में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन O2 को फेफड़ों से सभी अंगों व ऊतकों तक पहुंचाना होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाइफ साइकिल 120-120 दिन की होती है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया को लगभग 7 दिनों का समय लगता है। यह प्रक्रिया एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन के द्वारा संपन्न होती है, जो वृक्क के द्वारा स्रावित होता है। नंबर टू श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्त की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं, लार्जेस्ट सेल होती हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स WBC रक्त का लगभग 1% भाग रक्त का 1% भाग WBC कोशिकाओं द्वारा बना होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं को लिकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अन्य रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा संख्या में सबसे कम होती हैं तथा आकार में सबसे बड़ी होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं अन्य रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा संख्या में सबसे कम होती हैं तथा आकार में सबसे बड़ी होती हैं। ये रक्त में लगभग 5 से 8 हजार प्रति घन मिलीमीटर होती हैं, जबकि इनकी संख्या सामान्य से अधिक बढ़ जाती है जब इनकी संख्या हमारे बॉडी में और ब्लड में जब इनकी संख्या सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, अर्थात इनकी संख्या 10,000 प्रति घन मिलीमीटर से अधिक हो जाती है, तो इस अवस्था को हम लिकोसाइटोसिस कहते हैं। लिकोसाइटोसिस बोले तो WBC की संख्या का बढ़ जाना। जब इन्हीं श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाती है जब इन्हीं श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाती है तो उस अवस्था को हम लिकोसाइटोपिनिया कहते हैं। लिकोसाइटोपिनिया बोले तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाना। श्वेत रक्त कोशिकाओं में फोजोसाइटोटिस की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ये कोशिकाएं शरीर में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को निगलकर उन्हें नष्ट कर देती हैं तथा साथ ही शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाए रखती हैं।
सिरदर्द कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं उपस्थित होता है। सिरदर्द कोशिकाओं का वर्गीकरण, सिरदर्द कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक है ग्रैनुलोसाइट, नंबर दो है एग्रैनुलोसाइट। श्वेत रक्त कोशिकाओं के कार्य, WBC के कार्य, व्हाइट ब्लड सेल्स के कार्य। श्वेत रक्त कोशिकाओं के मुख्य कार्य, ये कोशिकाएं है जो साइटोटिक में भाग लेती हैं, बोले तो भक्षण क्रिया में भाग लेती हैं। ये कोशिकाएं शरीर में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निगलकर शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन कोशिकाओं के कारण हमारा शरीर संक्रमण से मुक्त बना रहता है। ये कोशिकाएं कटे फटे ऊतकों की मरम्मत भी करती हैं। WBC कोशिकाएं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो WBC की बेसोफिल्स के द्वारा हिपेरिन का श्रावण होता है, जो एंटीकॉगुलेंट है, यह रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट माना जाता है। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अतः ये कोशिकाएं नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। प्लेटलेट्स आकृति में छोटी, गोलाकार एवं अंडाकार होती हैं। प्लेटलेट्स का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रक्त में इन कोशिकाओं की संख्या लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति मिलीलीटर होती है। WBC की अधिकता रक्त में WBC की अधिकता थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाती है, तथा रक्त में जब प्लेटलेट्स की रक्त में जब अधिकता हो जाती है उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, तथा रक्त में जब प्लेटलेट्स की जो है न्यूनता हो जाती है प्लेटलेट्स ये कमी हो जाती है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त के मुख्य कार्य, मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड। रक्त जो है बांधने का काम करता है, क्योंकि यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्योंकि रक्त एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन को उत्कों तक पहुंचाते हैं। रक्त के प्रमुख कार्यों में एक कार्य भी होता है, यह शरीर से ऊतकों एवं कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में लाता है, जहां से इसका निष्कासन होता है। रक्त का दूसरा काम है
बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, शरीर के तापमान नियंत्रण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लड शरीर के पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है, ले जाता है। ब्लड शरीर के पीएच का भी नियमन करता है। ब्लड हीमोग्लोबिन को भी बांधे रखता है, जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं तक ले जाने में सहायक होता है। कमजोर एवं छील रक्त कोशिकाएं स्प्लीन एवं यकृत में पहुंचकर रक्त को साफ बनाए रखती हैं। रक्त के द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को स्केलेटरी ऑर्गन तक ले जाया जाता है तथा वहां से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था ब्लड, जो पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।